सिंधु मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी अमता छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा सिंधु मुहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंधु मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी अमता सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सड दियूं था अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज एक मुठ थी वरी वापस आण वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐ खुशहाल थिए सिंधी मानु सुख्यो ऐ सतावो थिए मोजे सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन तां अवां सभिनी खे भलीकार आऊं आहियां अवांजो पंहिंजो अली नवाज आरी सर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन जे हिन जग मशहूर प्रोग्राम डाप जा ॾस में असां सिंधी अदब में औरतुनि जो हिसो जे सरेख सिलसिलेवार हिकिड़ो प्रोग्राम हलाईंदा रहिया आहियूं जंहिं में हर हफ़्ते असां सिंध सिंधी ॿोली सां लाॻापियल सिंधी ॿोलीअ ते कमु कंदड़ सिंधी अदब ते पंहिंजो तवानायूं सर्फ कंदड़ केतिरनि ई लेखकाउनि जो तारीफ़ अवां जे अॻियां पेश कंदा रहिया आहियूं उन्हनि जे कम जो अभ्यास पिणु अव्हांखे ॿुधायो वेंदो आहे त जीअं ख़बर पवे त असांजी औरत केतिरो पाण मोकियो आहे केतिरो पाण मल्हायो आहे केतिरो कमु कयो आहे केतिरो कमु करे सघे थी असांजे अॼोके हिन प्रोग्राम जूं जेके ॿ मानायतूं लेखकाऊं आहिनि से ॿई सिंधियाणियूं आहिनि पर हिन वक़्तु ॿिन्ही जो तालुक़ु हिंदुस्तान सां आहे यानी भारत सां इंडिया सां उन्हनि में हिकिड़ी आहे असांजे सिंध जी जग मशहूर नाविनगार कहाणीकार कला प्रकाश जंहिंजो जनम कराची में थियो हो ऐं ॿी आहे असांजी डॉक्टर कमला गोकलाणी सभ खां पहिरीं अवांजे साम्हूं ॿोली जी नामवर का नावेल नगार कहाणीकार कला प्रकाश जो तारीफ़ी खाको पेश कंदुसि हुन खां पोइ तव्हांखे डॉक्टर कमला गोकलाणी जो तारीफ़ी पेश कयो वेंदो ॿुधायो वेंदो उन मुतालिक सिंध हिंद जी नामवर कहाणीकार ऐं नावेल नगार कला प्रकाश ॿ जनवरी 1934 ईस्वी ते सिंध जी राजधानी कराचीअ में पारूमल चांदवानीअ जे घर में जनम वरितो इब्तिदाई तइलीम हरदेवी गर्ल्स स्कूल कराचीअ में पिराई तेसीं सिंध हिंद जो विरहाङो थियो जंहिंमें सिंध जे ॿियनि हिंदुनि सां गॾु ई ख़ानदान बि मुतासिर थी पंहिंजी धरतीअ खां धार थियो वञी हिंद वसाई हिन बक़ाया तइलीम हिंद में हासिलु कई हिन मैट्रिक के जी खलनाणी स्कूल मां ऐं एम ए सिंधी अदब में जय हिंद कॉलेज मुंबई मां ऐं डी एच ए जी डिग्री बम्बई यूनिवर्सिटीअ मां हासिलु कयाई कला 1954 ईस्वी में सिंधी ॿोली जे बरखदीब मोती प्रकाश सां शादी कई जंहिंमां श्रीकांत सदप जहिड़ो शाइर सिंधी अदब जे हिसे में आयो जेतोणीक मोती प्रकाश बि बहितरीन शाइर रहियो आहे ऐं संदसि इंग्लिश शहर तमामु घणो मशहूरु थियो चांदीअ में जो त जलाइण वारा सिंधी पर श्रीकांत आउं सम्झां थो त केर तूं मोती प्रकाश खां बि अॻु भरो थो नज़र अचे हिन जी शाइरी में
भले खणी विरहांगे जो वड न हुजे, भले खणी विरहांगे जी पीड़ा न हुजे, भले खणी विरहांगे जो दर्द न हुजे, पर उन जे बावजूद इन जी शायरी में सिंधियत जो जज़्बो महसूस थिए थो। सिंधियत परस्ती नज़र अचे थी, वतन परस्ती नज़र अचे थी, वतन जी हुब नज़र अचे थी, साणियुनि जी सिक नज़र अचे थी। कला लिखण जी शुरूआति पंजाह वारे ॾहाके खां कई। हिन शुरूआती दौर में कहाणियूं लिखण सां गॾु अदब में पेर पातो, पर पोइ जल्द ई हिन नावेल लिखणु शुरू कया। संदसि कहाणियुनि पोइ नावेलनि जा मौज़ू समाजी ई रहिया। संदसि रचनाउनि में अहसासनि जी उपतार ॾाढी सुहिणे नमूने थियलु ॾिसजे थी। हिन समाज में वांदड़ वापरंदड़ हर मसाले खे पंहिंजे लिखणियुनि जो मावर बणायो ऐं तसलसुल सां अहिड़नि मौज़ूअनि ते लिखी हिन अलॻि सुञाणप क़ाइमु कई। उनखां सवाइ संदसि लिखणियुनि मां सिंध जी मोहबत, सिक ऐं तड़प महसूसु करे सघिजे थी। विरहाङे जे वद में वधिजी वियल सभिनी सिंधी हिंदुनि जे दर्द जा दास्तान संदसि कलम मां वही लिखंदा आहिनि। हिन अहिड़नि मौज़ूअनि ते कलम खयूं आहे जेके हाणे छुहियल मौज़ू आहिनि, जिन ते लिखी हिन सिंधी अदब जी हिकु सुठी ख़िदमत कई आहे। संदसि हिन वक़्त ताईं कहाणियूं, नावेल, शायरी, सफ़रनामा ऐं मज़मूननि जा केतिरा ई किताब छपजी चुका आहिनि। हिन मां केतिरा ई सिंध में पुण छपिया आहिनि। हीअ हिंद थोरे सिंध में ओतिरी ई मक़बूल आहे। हिन पढ़ंदड़नि में अलॻि जाइ वाली आहे ऐं अलॻि छाप छॾी आहे। हिन तोड़े जो सभिनी सिंफनि में लिखियो आहे, पर हिनखे नावेल ते दस्तरस आहे ऐं हिन जी सुञाणप नावेल निगार तौरु वधीक आहे। हिन जा नावेल, हिन नावेलनि में हक़ीक़त निगारी घणी नज़र अचे थी। डॉक्टर अब्दुल जब्बार जोड़े जो कला जे नावेलनि बाबति लिखे थो त कला जा नावेल प्यार ऐं समाज जे चोगिर्द पया थियनि। हिन जी तहरीर में जेको जोश ऐं जज़्बो समायल आहे, तंहिं ख़ूबसूरत लफ़्ज़नि ऐं जुमिलनि जो घणो दख़ल आहे। कला प्रकाश जो नावेल ओखा पंध प्यार जा, जेको सिंधी अदब में सिंध में ताज़ो छपियो आहे, हिकु शाहकार नावेल आहे। हिन में किरदारु निगारी, हक़ीक़त निगारी ऐं रुमानियत गॾु गॾु आहिनि। ऐं हिन में जेका फ़नी कमालियत आहे उहा इहा आहे त हिन नावेल खे जितां खयों वियो आहे, घुमाए फेराए उते ई पुॼाणी कई आहे। ऐं हिकु ई वक़्तु चयनि किरदारनि खे गॾु खणी हलणु, हर कंहिं सां हिकु जेतिरो निभाउ करणु ॼण त साइमीअ जे ॿिनि पुड़नि में रखी तोड़े तके हर कंहिंखे ओतिरी पधिराई ॾिनी वई हुजे, उन मां ई फ़र्क़ु करे सघिजे थी त उहो नावेल निगारीअ जे फन ते दस्तरस रखे थी। उनखां सवाइ ॿिया बि केतिरा ई किताब छपिया, हिन तमामु घणी मक़बूलियत माणी। उन्हनि मां किन किताबनि जो ज़िक्र आऊं हवा सां करियां थो। ॾोही बेडोही कहाणियूं 1953 ईस्वी में छपियो। हिकु दिलि हज़ार अरमान नावेल 1957 ईस्वी में छपियो। ममता जो लहरूं नसरी नज़म 1963 ईस्वी में छपियो। शीशे जी दिलि नावेल 1970 ईस्वी में छपियो। हिकु सपनो सुखनि जो नावेल 1971 ईस्वी में छपियो। मुर्ख ऐं ममता कहाणियूं 1973 ईस्वी में छपियो। हयाती होतन रीह नावेल 1980 ईस्वी में छपियो। हींअरे मंझ हुरन सफ़रनामो सिंध में बि छपियो 1987 ईस्वी में। वट बिछूं ऐं बिछोटूं नावेल 1988 ईस्वी में छपियो। आरसीअ आॾो नावेल 1992 ईस्वी में छपियो। वारनि में गुल कहाणियूं 1993 ईस्वी में छपियो। प्यार 1997 ईस्वी में छपियो। पखनि जी प्रीत 1998 ईस्वी में छपियो। ममताज लहरूं हिसो ॿियो नसरी नज़म 2006 ईस्वी में छपियो। समुंड ऐं किनारो नावेल 2006 ईस्वी में छपियो। इंतज़ार कहाणियूं 2007 ईस्वी में छपियो। ओखा पंध प्यार जा नावेल सिंध में 2010 ईस्वी में छपियो शामिल आहिनि। कला प्रकाश समूरियूं लिखणियूं मानता जी मंज़िल खे छुहंदड़ आहिनि। हिन जे लिखणियुनि में किरदारु निगारी, मंज़र निगारी खां अलावा लफ़्ज़नि जी उणत, ॿोलीअ जो असलूब ऐं ॿोलीअ जे असलोकनि लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु आम मिले थो। उन हवाले सां चइजे खणी त हिन ॿोलीअ में बि लफ़्ज़नि जो वाधारो कयो आहे त को बि वधाउ न थींदो, छो त संदसि पूरा ख़्याल ॿाराड़ियुनि मां खयल आहिनि। जंहिं करे संदसि किरदारनि जी ॿोली बि उहा ॿाराड़ियुनि में आम इस्तेमालु थींदड़ ॿोली आहे। इहो संदसि मुशाहिदे जी साख त भरे थो, पर ईअं थो महसूसु थिए त हिन जी उहा छोरी कोशिशि आहे। हिन आम माण्हुनि जे ज़िंदगीअ में जाती पाए उन्हनि जे दर्द जी तस्वीर छिकी आहे
अहिड़ी शायदी नामवर लेखक प्रोफेसर अब्दुल सत्तार बलोच जे हिन पैराग्राफ मां बि वठी सघिजे थी। बलोच साहब लिखनि था, कला प्रकाश महान वतन दोस्त लेखक आहे, जंहिं तन मन धन ऐं फन सजण ई साणे खे अर्पे अदबी दुनिया में वॾी मञता माणे। हूअ सिंधु नदीअ खे प्यार ऐं मिठड़ी माउ जी थन जीअं अमृत धारा जो दर्जो ॾिए थी ऐं सिंधी ॿोलीअ खे मिठड़ी माउ जी झोली ॼाणे उन में आनंद सुकून ऐं आराम महसूसु करे थी। हूअ धरती माता जे मामलनि खे पंहिंजनि कहाणियुनि नावलनि ऐं नज़मनि जो उनवान बणाए ग़रीब मज़लूम मुफ़लिस ऐं नादार देश वासियुनि जी साद रखीअ जे लाइ हमेशह पाण पटोड़ींदी रहंदी आहे। हिन जिते सिंध हिंद जी दर्द जी तारीख़ लिखी महफ़ूज़ कई आहे, हिन पंहिंजे ॿारनि श्रीकांत सदफ ऐं सिंधुअ खे पंहिंजे नसरी नज़मनि में समायो आहे। किताब ममता जो लहरूम हुन वाकई पंहिंजे ममता निछावर कई आहे, जंहिंमें हुन पंहिंजे अंदर में सांडियल समूरनि मोहबतनि ऐं सतनि जज़्बनि जे आर्टिस्टिक निगाह सां मंज़र कशी कई आहे। कला प्रकाश मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते रही बि आम माण्हुनि जी ख़ूब ख़िदमत कई। 1954 ईस्वी खां 1971 ईस्वी ताईं भारत सरकार जे मर्कज़ी खाते में आडिटर रही। उनखां पोइ आर के तलरेजा कॉलेज उल्हासनगर महाराष्ट्र में सिंधीअ जी लेक्चरर ऐं 1980 ईस्वी खां 1983 ईस्वी ताईं दुबई जे हिकु स्कूल में हेडमिस्ट्रेस पिणु रही चुकी आहे। सिंधी अदब जी हिन घणी पढ़ी वेंदड़ लेखका जी सॼी ज़िंदगी लिखणु पढ़ण ऐं पढ़ाइण में गुज़री आहे। मुंहिंजे समयन ही बि असांजे अॼोके हिन प्रोग्राम जी लेखका कला प्रकाश, कला प्रकाश जंहिंखे सिंधी अदब जी बीट मूर्ति में शामिलु कयो वियो आहे, छाकाणि जो हिंदुस्तान में जेका सिंधी अदब जी पहिरीं टि मूर्ति आहे उन में पोपटी सुंदरी ऐं रीता शाणी अचनि थियूं ऐं ॿी जेका टिम मूर्ति आहे उन में वीना कला तारा मीरचंदाणी खे असां शामिलु करे सघूं था, छाकाणि जो हिननि टिन्ही जो पोरियो न्यायती सगारो आहे। असांजे अॼोके हिन प्रोग्राम जी जेका ॿी लेखका आहे सा आहे राजस्थान जो रूह डॉक्टर कमला गोकलाणी। हिंदुस्तान जी पहिरीं PhD सिंधी औरत डॉक्टर कमला गोकलाणी कहाणीकार ऐं मौक़ आहे। हिन 16 जून 1950 ईस्वी ते अजमेर राजस्थान में नारायणदास धनजाणीअ जे घर में जनम वरितो। इब्तिदाई तइलीम मक़ामी तरह हासिलु करण खां पोइ MA हिंदी 1976 ईस्वी राजस्थान यूनिवर्सिटीअ मां, डिप्लोमा जर्नलिज़म 1980 ईस्वी राजस्थान यूनिवर्सिटीअ मां, MA सिंधी 1982 ईस्वी बॉम्बे यूनिवर्सिटीअ मां, MA 1990 ईस्वी HP यूनिवर्सिटी शिमला मां ऐं PhD सिंधी अदब 1993 ईस्वी में बॉम्बे यूनिवर्सिटी मां कयाई। संदसि PhD मकाले जो उनवान सिंधी शायरीअ में कुदरती चित आहे। डॉक्टर कमला पेशे जे लिहाज़ खां उस्ताद आहे। हिन 1980 ईस्वी खां पढ़ाइणु शुरू कयो। 1980 ईस्वी खां 1992 ईस्वी ताईं स्कूल टीचर रही। 1994 ईस्वी ताईं हेडमिस्ट्रेस REC। 1994 ईस्वी खां गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में लेक्चरर तौरु पढ़ायई, जितां 2010 ईस्वी में रिटायर करे चुकी आहे। हिन लिखण जी शुरूआत नंढपण में कहाणियूं लिखण सां कई, जेके हुतां जे मक़ामी रिसालनि में छपियूं। हुन बाद हिन अदब जे मुख़्तलिफ़ सिनफ़नि में लिखणु शुरू कयो, जंहिंमें मज़मून ऐं तहक़ीक़ी मकाला आम जाइ वाला रहनि था। हिन जे कहाणियुनि में हिन जे ॿियनि लेखकनि लेखकाउनि जी भेट में जिदत ॾिसिजे थी, छाकाणि जो हिन जो जनम पंहिंजी सरज़मीन ते थियो आहे, तंहिं करे हिन जे लिखणनि में विरहाङे जहिड़े दर्द बजाए पंहिंजे सरज़मीन जी ख़ुशबू महसूसु थिए थी। हिन पंहिंजे लिखणियुनि में पंहिंजे खिते जे मौज़ूअनि खे ओलियत ॾिनी आहे। हू फिक्शन में बि कमालियत रखे थी त संदसि लिखणियूं यूरोपी सिरस जूं बि आहिनि। हिन यूरोप सिता जो मुतालो बि कयो आहे, हुन जे बावजूद राजस्थान खे सिंध जी सरहद वेझो हुअण करे सिंध जे अदबी असर खे क़बूलनि खां पाण बचाए न सघी आहे। संद सिंधी ॾाढी पुख़्ती आहे, तहक़ीक़ तनक़ीद में बि हिन पाण मल्हायो आहे ऐं खेसि मान बि मिलियो आहे। हुनजो हिकिड़ो सबबु त संदसि तहरीरुनि में इस्तेमालु कयल शाइस्तगी आहे,
बो तो राजस्थान की पेरी सिंधी पीएचडी है। डॉक्टर कमलाज इन वक्त तोरह किताब तबैदाद केतरा ही तर्जमू थियल छपजी चुका तबैदाद में घो तादाद सिंधी जो है इन देवनागरी में भी लिखो है किताबन जो हजूर अवान के अगर पेश करें तो हादसे का पोए कहानी 1984 ईस्वी में छपियो। राजस्थान के सिंधी साहित्य जो जायजो तलकीद 1985 ईस्वी में छपियो। फैसलो थियण ताईं कहानियूं 1986 ईस्वी में छपियो। उदास हयात बायोग्राफी 1987 ईस्वी में छपियो। नज़रसानी तनक़ीद 1989 ईस्वी में छपियो। सिंधी दर्सी किताब 1991 ॿियो छापो 95 ईस्वी में छपियो। छहे खां अठे ताईं मखरत मऊं हिंदी कहाणियूं 1992 ईस्वी में छपियो। डायरिया जो सच तनक़ीद 1993 ईस्वी में छपियो। नज़रसानी ॿियो वांगुरु 1995 ईस्वी में छपियो। इज़हार अदबी मज़मून 1996 ईस्वी में छपियो। अदबी तासरात तनक़ीद 1998 ईस्वी में छपियो। सिंधी साहित्य में सदभाव तहक़ीक़ हिंदी 1999 ईस्वी में छपियो। सिंधी कविता में कुदरती चित पी एच डी थीसिस 2001 ईस्वी में छपियो। अदबी कथ तनक़ीद 2002 ईस्वी में छपियो। साओ थियल गाह कहाणियूं 2003 ईस्वी में छपियो। शाह जो शहर अदबी तनक़ीद 2007 ईस्वी में छपियो। साहित्यिक कहाणियूं दर्सी किताब 2007 ईस्वी में छपियो। ओलह राजस्थानी ऐं सिंधी अदबी तनक़ीद 2010 ईस्वी में छपियो। कौम न अकेली देवनागरी शायरी 2011 ईस्वी में छपियो। साओ थियल गाह देवनागरी कहाणियूं 2012 ईस्वी में छपियो। मथां करीं मार्क देवनागरी ऐं सिंधी कहाणियूं 2014 ईस्वी में छपियो। उन बाद संत लिखण ऐं तहक़ीक़ जो कमु जारी आहे ऐं कुझु हिन किताब तर्जुमो बि कया जिन में अपने अपने वोस्ता कहाणियूं 1987 ईस्वी सिंधीअ मां हिंदी में तर्जुमो। सिंधी कविता में वेदांत तहक़ीक़ी मखाना 1993 ईस्वी सिंधीअ मां हिंदी में तर्जुमो। कबीर वचनावली 2004 ईस्वी हिंदीअ मां सिंधीअ में तर्जुमो। सिंध कहाणी के आर मलखाणी तारीख़ 2005 ईस्वी अंग्रेज़ीअ मां सिंधीअ में तर्जुमो। संत कबीर 2011 ईस्वी हिंदीअ मां सिंधीअ में तर्जुमो। शहीद हेमू कालाणी 2012 ईस्वी सिंधीअ मां हिंदीअ में तर्जुमो। समाजी साइंसी ऐं मैथमेटिक्स दर्सी किताब सिंधीअ मां हिंदी ऐं हिंदीअ मां सिंधीअ में तर्जुमो शामिल आहिनि। उनखां सवाइ संदसि केतिरियूं ई कहाणियूं शायरी तनक़ीद ऐं तहक़ीक़ी मज़मून सिंध ऐं हिंद जे मशहूर मसननि रचना रियान संगीता कूंज कींजर कलाची नज़राना अदबी चमन ऐं ॿियनि में छपजी चुका आहिनि। अहिड़ीअ तरह पाण अदबी मैगज़ीन रचना जी 3 साल एडिटर, रियान जी 6 साल एडिटर रही आहे। हीअ राजस्थान सिंधी अकेडमीअ जो सालियानो जर्नल आहे। वरदाई हिंदी अदबी जर्नल जे 5 साल एडिटर, जी एस ए मैगज़ीन जी सिंधी सेक्शन खे 5 साल संभालियाई। साईं आत्म दर्शन हिंदी ऐं सिंधीअ जी 1998 ईस्वी खां लॻातार एडिटर आहे। हिन पंहिंजे बेहद सलाहियतनि सां हिननि रिसालनि खे ख़ूबसूरत बणायो ऐं मञता ॾियारी। डॉक्टर कमला अदबी तालीमी सरगर्मियुनि सां गॾु मुख़्तलिफ़ इदारनि जे कमेटियुनि जी मेंबर पिणु आहे, जिन मां किनि जो ज़िक्र हिते कजे थो। मेंबर राजस्थान सिंधी अकेडमी जयपुर 2013 ईस्वी खां, नेशनल प्रेसिडेंट अखिल भारत सिंधी ॿोली ऐं साहित्य प्रचार सभा 2007 ईस्वी खां, मेंबर साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली 1998 ईस्वी खां 2002 ईस्वी ताईं, मेंबर ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी ऐं फिनांस कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 ईस्वी खां 1998 ईस्वी ताईं, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐं चेयरपर्सन एजुकेशन विंग अखिल भारत सिंधी ॿोली साहित्य सभा बॉम्बे 2003 ईस्वी खां 2007 ईस्वी, ऐं औरतुनि जे शोबे जी चेयरमैन 2008 ईस्वी खां लॻातार, चेयरपर्सन ऑल इंडिया सिंधी महिला समाज 1994 ईस्वी, मेंबर सरस्वती सभा राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर 1990 खां 1993 ताईं, मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज सिंधी 1992 ईस्वी खां 1993 ईस्वी ताईं, ऐं ॿियो भेरो 2009 खां 2012 ईस्वी ताईं, माहिर निसाब कमेटी सिंधी अजमेर 1994 ईस्वी खां, उदयपुर बड़ौदा जोधपुर ऐं गुजरात यूनिवर्सिटियूं
सेक्रेटरी हरी सुंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर 2009 ईस्वी का लगातार ऑल इंडिया रेडियो के समूरन स्टेशन की बाकायदे ब्रॉडकास्टर बिन केतर इलमी अदबी अकेडमी की पान मेंबर रही चुकी है। केतर इदार अगापियल है अणविरच इंसान है पैंजी जिंदगी जो हर पल सजायो करण लाई कोशान रही थी। इन एक ही वक्त मुख्तलिफ इदार लागापियल होने के बावजूद लिखने अमल के बरकरार रखो लातादाद किताब लिखा तर्जुमो कयाई जे अदबी मैदान में पैं अलग हिस्सियत रखन था। इन केतर किताबन से अवार्ड पुण मिली चुको है। उनका सवाल इलमी अदबी खिदमत लातादाद अवार्ड शीलदू इनाम मिलया है जिन में किन जो जिक्र तवासा कजे तो बेस्ट राइटर ऑफ राजस्थान अवार्ड टे भेरा राजस्थान गवर्नमेंट पारा 1999 ईस्वी 1992 ईस्वी 1999 ईस्वी हरुमल सदारंगाणी नेशनल गोल्ड मेडल अदबी मान्यता तौर 1995 ईस्वी हिंदुस्तान की पेरी सिंधी औरत डॉक्टरेट के एतराज तौर NCPCL पारा 50,000 रुपया कौमी अवार्ड चीफ मिनिस्टर राजस्थान था। ऑल इंडिया सिंधी जर्नलिस्ट एसोसिएशन इंदौर पारा 1995 ईस्वी जर्नलिज्म अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पारा कान के मजमू इजहार से 15,000 रोक इनाम 1999 ईस्वी कबीर वचनावली शायरी के सिंधी में हिंदी तर्जमे से साहित्य अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पारा बेहतरीन तर्जमे जो 20,000 रुपया रोक इनाम। ओला राजस्थानी सिंधी भाषा किताब के 24-26 मार्च 2014 ईस्वी के कराची में थल आलमी सेमिनार के पेपर पेश कयाई। सकावत खाते हिंद पारा सिंधी आत्मकथाओं के इतिहास मौजू से 3 साल लाइ सीनियर फेलोशिप मंजूर थल है। उनखा सवाए केतरा अवार्ड इनाम मिल चुका पा मुख्तलिफ वक्त से सेमिनार कॉन्फ्रेंस में कन्वेनर तौर जिम्मेवार निभाए चुकी है। हाँ इन वक्त नेहरू नगर संभालपुर रोड अजमेर में रिहायश पजीर है। कमला गोकलानी अजा भी लिखने जो पंध जारी रखो अचे इन जो तहकीक तोड़े तकलीक बिन्हीं पासे तमाम घणो तवजा है दिलचस्पी है खास तौर पर जे तनकीद के जे मजमून लिखा तनकीद के जे सन किताब छपया तो तनकीदी अदब में चंगो खासो वाधारो है छाकाणि जो असां वटि तनकीदी अदब खत्म थींदो वञे। सिंध में त के एकड़ बेकड़ ब या 4 नाला अड़ा वही बचा जिनके असं सुठा नकाद चई सकूँ था जिनमें दासनाई है अकबर लिगाई है डॉक्टर मुबारक लाशारी है। उनका सवाए इतने असा वट सिंध में तनकीदी अदब वेजो वे उनकी भेट में जो वे तो हिंदुस्तान में तनकीदी अदब मौजूद है छाकाणि तो कें दौर में पुख्ती वही नकाद हुई उन्हें असा वट हिंदुस्तान में जो हीरो शेवकानी है डॉक्टर कमला गोकलानी है इन जो तनकीद से सुठो कम है हीरो तमाम वो नकाद है पर असानी कमला गोकलानी भी पान निभाए रही है। असा उम्मीद है डॉक्टर कमला गोकलानी यो सफर जारी रखी न सिर्फ जारी रखी पर राजस्थान के बेन भी सिंधी मानून में सिंधी बोली ए सिंधी अदब दा अचण से उनके मायल कंदी उन आमादा कंदी सिंधी अदब की जितो थी सके वो बेन तई मुंतकल कंदी उन पहुँचाने की कोशिश कंदी रही अस दुआगू हूँ संदस लाइन असने अजो के इन प्रोग्राम जो ब लेखिकाऊँ डॉक्टर कमला गोकलानी ए कला प्रकाश जो तफसीली तारफ़ उन कम जो ब्याह तवे सामूँ पेश वो शाला इंदड़ हफ्ते वरी किन बेन लेखिकाओं से गड हाँ अवान पैं मेज़बान अली नवाज़ आरिफ सर के दींदा इजाज़त सलामत सलामत अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।